हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, आज जिस प्रॉब्लम पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और अधिकतर बहुत सारे लोग उसे अपनी लाइफ में फेस करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस चैनल पे कोई भी लीगल वीडियो आप मिस ना करें, उसकी अपडेट्स तुरंत आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है, अगर किसी बंदे ने हमारे खिलाफ झूठी FIR दर्ज करा दी है तो हमारे पास क्या रेमेडी है, हमारे पास क्या रास्ता है उससे बाहर निकलने का। दोस्तों, आम आदमी को लीगल नॉलेज नहीं होती, कानूनी रास्तों का पता नहीं होता, तो वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि भाई ऐसे में हम क्या करें। लेकिन घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, डरने की बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो दोस्तों, समझ लेते हैं कि सामने वाला बंदा हमारे खिलाफ FIR क्यों दर्ज कराता है। सपोजिंग वो रंजिश रखता है, वो हमारे से बदला लेना चाहता है, हमारी इमेज, हमारी रेपुटेशन को डाउन करना चाहता है, समाज में हमारी मान मर्यादा, हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहता है, तो इसलिए वो FIR हमारे खिलाफ दर्ज करा देते हैं। अब ऐसे में हमें क्या रेमेडी है, हम क्या कर सकते हैं, ये समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि दो तरह के ऑफेंस होते हैं, दो तरह के क्राइम होते हैं। एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस को हम सीरियस क्राइम कहते हैं, वहां पर पुलिस के वारंट की जरूरत नहीं होती और वो उस बंदे को बिना वारंट के ही तुरंत गिरफ्तार कर सकते हैं, और इस ऑफेंस में अधिकतर 7 साल से ऊपर सजा मिलती है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को वारंट चाहिए होता है और वो ऐसे इजीली ही किसी बंदे को अरेस्ट नहीं कर सकती हैं, पहले उन्हें वारंट चाहिए तभी वो अरेस्ट कर सकती हैं। अब यहाँ पे दोस्तों पहले बात कर लेते हैं हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी बंदे ने हमारे खिलाफ FIR झूठी FIR दर्ज करा दी है तो यहाँ पे दोस्तों पुलिस हमारे पास फोन करेगी या हमारे पास मिलने आएगी और हमें बोलेंगी कि भाई आपको थाना चलना पड़ेगा क्योंकि आपके खिलाफ ऐसे ऐसे FIR दर्ज कराई गई है। अब यहाँ पे आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि आपने कुछ किया नहीं है, कोई आपने क्राइम नहीं करा है, तो हम डरें क्यों। यहाँ पे आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली थाने जाना है, बिल्कुल नर्वस नहीं होना है और पुलिस के सामने सच्चाई बतानी है। अगर आपके पास कोई एविडेंसेस हैं तो वो शो करने हैं। यहाँ पर दूसरे वाले बंदे ने ऑब्वियसली ये कहा होगा कि इस दिन पर, इस जगह पर, इस टाइम पर आपने ये क्राइम किया है, तो आपको ये बताना है कि मैं वहां पर उस टाइम पर प्रेजेंट ही नहीं था, उपस्थित ही नहीं था। अगर आपके पास कोई प्रूफ है कि हाँ मैं इस जगह पर उसी टाइम पर प्रेजेंट था तो वो आप शो करें। और आप ये भी कह सकते हैं कि आप मेरी मोबाइल लोकेशन भी ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है दोस्तों, इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको पुलिस को कन्विंस करना है। लेकिन यहाँ दोस्तों बात कर लेते हैं आप कॉग्निजेबल ऑफेंस की, जो सीरियस क्राइम है, उसमें आपको क्या करना है। उसमें आपको जब आपको पुलिस इन्फॉर्म करेगी और थाने बुलाएगी तो आपको थाने नहीं जाना है, आपको कोई भी बंदा एज अ मीडिएटर थाने भेजना है। वो भले आपका लॉयर हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, वो मीडिएटर पुलिस को एविडेंसेस दिखाएगा और सच्चाई बताएगा, पुलिस को कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि वो FIR आपके खिलाफ झूठी है, आपने कोई क्राइम नहीं किया है। लेकिन यहाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस में थाने में अपियर नहीं होना है क्योंकि यहाँ पर पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। इसके बाद अगर पुलिस कन्विंस हो जाती है कि हाँ ये झूठी FIR है तो उस बंदे के खिलाफ जिसने FIR दर्ज कराई है झूठी FIR, तो उसके खिलाफ पुलिस एक्शन ले सकती है दो सेक्शंस के अंडर। पहला सेक्शन है 182 IPC। इसके अंतर्गत अगर कोई बंदा झूठी FIR दर्ज कराता है दूसरे वाले को नुकसान पहुंचाने की नियत से तो उसको 6 महीने की सजा प्लस फाइन से दंडित किया जा सकता है। दूसरा सेक्शन है 211 IPC। इसके अंडर भी पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, इसमें 2 साल की सजा और प्लस फाइन कोर्ट के द्वारा चार्ज किया जा सकता है। यहाँ पे दोस्तों आप भी सामने वाले बंदे के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, उसके खिलाफ सेक्शन 250 क्लॉज 2 CRPC के अंडर आप उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं और कंपनसेशन मांग सकते हैं कि भाई जो भी आपको मेंटल टॉर्चर हुआ है, आपका फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, इसके लिए आप कंपनसेशन मांग सकते हैं। तो कोर्ट यहां देखेगी कि भाई कितना लॉस हुआ है, सारी चीजें एनालाइज करके वो आपको कंपनसेशन दिलवा सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर पुलिस कन्विंस नहीं हुई और उन्होंने FIR दर्ज कर दिया आपके खिलाफ, तब आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों आप SP को एप्लीकेशन लिख सकते हैं जिसमें आप सारी डिटेल्स लिखेंगे, या फिर आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं अपनी FIR क्वैश कराने के लिए, यानी कि कैंसिल कराने के लिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप किस सेक्शन के अंडर FIR क्वैश करने के लिए हाई कोर्ट में अप्लाई करेंगे, वो सेक्शन है दोस्तों 482 CRPC। इस सेक्शन के अंडर कोर्ट के पास स्पेशल पावर होती है, अगर कोर्ट कन्विंस हो जाती है कि हाँ ये FIR झूठी है तो वो उसे क्वैश कर देगी, यानी कि कैंसिल कर देगी और आप फ्री हो जाएंगे।
लेकिन हाँ दोस्तों, आपको अच्छा सा लॉयर अपॉइंट करके कोर्ट को कन्विंस करना है, एविडेंसेस शो करने हैं। यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। अगर कोर्ट कन्विंस हो जाती है तो आप फ्री हो जाते हैं, आपके खिलाफ जो भी वारंट है वो कैंसिल हो जाते हैं और कोई भी नए वारंट आपके खिलाफ इशू नहीं हो सकते हैं। दोस्तों आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है कि जब तक आपका हाई कोर्ट में केस चलेगा, आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग रहेगी, तब तक पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। अब अगर दोस्तों हाई कोर्ट भी कन्विंस नहीं होती है, आपकी जो आपने FIR कैंसिल करने के लिए आपने एप्लीकेशन डाली उसे वो रिजेक्ट कर देती है, तो आप पे केस चलेगा, आप पे ट्रायल चलेगा। यहाँ पर दोस्तों आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अपनी FIR क्वैश कराने के लिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं और हाई कोर्ट ने भी रिफ्यूज कर दिया है आपकी FIR क्वैश करने के लिए, तब आपके पास क्या रेमेडी है? यहाँ इसके बाद भी दोस्तों हमारे पास एक रास्ता होता है, वो होता है चार्ज के दौरान आर्ग्यूमेंट होते हैं, उस वक्त आपको अच्छा सा आर्ग्यूमेंट करना है, आपको एविडेंसेस शो करने हैं, अपनी बेगुनाही साबित करनी है। अगर कोर्ट कन्विंस हो जाती है आपसे, इस स्टेप पर भी आप फ्री हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था झूठी FIR से बचने का तरीका। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में आगे से आगे शेयर कर दीजिए। क्या पता कौन सी लीगल नॉलेज कब किसके काम आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।